हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा, निशा फूडक्रस्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज निशा की रसोई में स्पेशल चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आए हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप झटपट बना कर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ 1 किलो चावल को धुलकर भिगो दिया है और 2 लीटर एक बड़े पतीले में पानी ले लिया। उसी पतीले में डालने के लिए 10 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 तेज़पत्ते डालकर इसे खोलने देंगे और उसके साथ इसमें पानी में नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, जो चावल में नमक आ जाए। तो जो चावल हमने धुल के रखे थे आधे घंटे पहले, उन्हें डाल दिया है और चावल में बॉयल आ गया है और गैस को बंद कर देंगे और चावल को चेक कर लेंगे। एक बॉयल ही बस आने की देरी रहती है फ्रेंड्स। और इस तरह से जब नाखून से दबाएँ चावल 2 भाग में टूट जाए। यहाँ पर मैंने बासमती राइस लिया है और 1 किलो चिकन को धुल कर रख लिया है और ये देखिए चावल जो बॉयल हो गए थे, मतलब इतना कि 90% हमारे 90 से 80% चावल बॉयल हो गए हैं। यहाँ खड़े मसाले ले लिए हैं, छन्नी में चावल को निकाल दिया है और यहाँ पे 10 इलायची ले लिए, 1 फूल चक्री ले ली है जो होती है, दालचीनी लिया है, नारियल का टुकड़ा लिया है, तीखा अपने हिसाब से 10 लाल मिर्च ले ली है, आधा चम्मच सौंफ लिया है, काली मिर्च ली है, आधा चम्मच लौंग ले लिया है 10 से 15, 1 जायफल का टुकड़ा है, 1 चम्मच जीरा है और 2 बड़ी इलायची है। यहाँ पर 1 किलो प्याज काटा है तो 1 किलो प्याज में मैंने आधा किलो ये प्याज ले लिया है, 3 लहसुन का गाँठ और 1 इंच अदरक के टुकड़े को हम पेस्ट बना लेंगे और आधा किलो प्याज हमने बारीक कट करके रख लिया तड़के के लिए। तो पहले इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम पाउडर पहले पीस लेते हैं। इसमें कोई भी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर नहीं पड़ेगा, बस गरम मसालों का ही स्वाद रहेगा। तो यहाँ पर नारियल तोड़ लेंगे और इसे थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसी पतीले को जिसमें चावल खाली किया हमने, उसी को धुलकर हमने वापस ले लिया है। यहाँ पर देखिए आधा किलो प्याज को इस तरह से हमें अलग बारीक कर लेना है, मतलब उसके टुकड़े करने के बाद हाथों से मसल देंगे और आधा किलो प्याज को हमें फ्राई करना है। फ्राई करके इसमें से आधी प्याज हम निकाल लेंगे और आधी प्याज में ही हम चिकन बनाएंगे और जो प्याज का आधा किलो प्याज का हमने जो पेस्ट बनाया है उसे हम आगे यूज़ करेंगे। यह देखिए गरम मसाले जो हमने पीसे थे वो पेस्ट तैयार है। अब लहसुन और जो प्याज आधा किलो रखा था, अदरक, ये सब चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे। इन 3 चीज़ों को पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम मिक्सर जार में डाल के पेस्ट बना लेते हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स पेस्ट बन गया है। अब देखिए प्याज भी ब्राउन सी हो गई है। अब इसमें से हम थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे और थोड़ी प्याज रहने देंगे। प्याज थोड़ी निकालेंगे, ब्राउन अनियन जो कि हम गार्निशिंग के काम में लेंगे जब हम बिरयानी बनाएंगे। तो चावल को खुले जगह पर रख देंगे। आप चावल बॉयल करते समय 1 चम्मच देसी घी भी डाल सकते हैं या ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर हमने नहीं डाला है आपस में चावल ना चिपके तो आप डाल सकते हो, मगर ये चावल चिपकेंगे नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। और यहाँ पे जो 1 किलो चिकन लिया है इसे हमें ब्राउन होने तक थोड़ा भून लेना है। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट तक हम चलाते हुए भूनेंगे। आप चाहे तो प्लेट लगाकर इसे ढककर भी भून सकते हैं। और जो भूनने के बाद देखिए चिकन भून गया है, ब्राउन हो गया। अब इसमें लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट डालकर इसे भी हम 4 से 5 मिनट भूनेंगे। करीब 4 मिनट तो भूनना है मसालों को, जब मसालों में से ऑयल सेपरेट होने लगे इतनी देर तक हमें इसे भूनना है। तो ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं, ऑयल ऊपर दिख रहा है। अब इसमें डाल देंगे जो हमने गरम मसाले बनाए हैं उसे। तो यहाँ पर 2 मिनट ढकने के बाद इसमें डाल दिए गरम मसाले और ये गरम मसाले देखिए इसे भी हमें अच्छे से 3-4 मिनट और भून लेना है चिकन के साथ, मतलब चिकन को बहुत अच्छे से भूनना है और बहुत अच्छे से बनाना है जो बिरयानी का स्वाद बढ़ाएगा। जो चावल में नमक तो आ ही गया है और यहाँ पे हम चिकन में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फ्रेंड्स तीखे अपने हिसाब से, यहाँ पे आप चाहे तो लाल मिर्च तीखी ऐड कर सकते हैं, हमने नहीं ऐड किया है क्योंकि जो खड़ी लाल मिर्च ली है वही तीखी है और बिरयानी का ज़्यादा तीखापन नहीं अच्छा लगता, चटपटा अच्छा लगता है, ज़्यादा तीखी बिरयानी नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ पर देखिए नमक डालने के बाद मिक्स करके इसे हम पहले अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। मसालों को अच्छे से चलाते हुए भूनना है और उसके बाद हमें डाल देना है 1.5 गिलास 2 गिलास पानी। तो मैंने 2 गिलास पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करके ढककर 4 मिनट पकाएंगे। चिकन हमारे सॉफ्ट हो जाए इतनी देर, 4 से 5 मिनट हो गए हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है, आप देख सकते हो। चिकन का मसाला भूनने के बाद ही अब 2 गिलास पानी डालकर इसे मीडियम फ्लेम पे पका ले। तो देखिए तरी एकदम गाढ़ी हो गई है और चिकन हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब क्या करेंगे, इसे हम नीचे उतार लेंगे और एक पतीले में हम सारा चिकन निकाल लेंगे ग्रेवी के साथ। थोड़ा सा
चिकन के पीस और ग्रेवी हम नीचे पतीले में रहने देंगे क्योंकि हमें इसे चावल की परत बनानी है। तो थोड़ा सा चिकन है और इस तरह से हम चावल इसमें बिखेर लेंगे, मतलब फैला देंगे। तो एक परत चावल की, एक परत चिकन की, इस तरह से हम बनाकर रेडी करेंगे। आप चाहे फ्रेंड तो यहाँ पे पुदीने के पत्ते, अगर आपको खुशबू उसकी पसंद है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने चिकन डाल दिया है, बहुत ही झटपट बनने वाला चिकन है। आप यहाँ पे जो हमने चावल में फ्रेंड्स खड़े मसाले डाले थे ना, और वो आप निकालना चाहो तो जब आप चावल इस तरह से बिछा रहे हो तो मसाले आते जाएंगे, तो वो आप निकालते भी चाहे तो मुँह में ना अच्छा लगता हो आना तो निकाल दीजिएगा। और फिर देखिए हम चिकन की इस तरह से हम उसे फैला लेंगे, थोड़ा थोड़ा चिकन इस तरह से करके फैलाना है। और बहुत ही टेस्टी ये चिकन बनता है, पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल जाएगी, इतना बेहतरीन ये चिकन बन के रेडी होता है, चिकन बिरयानी, जो कि बहुत पसंद आएगा आपको, एक बार ट्राई करना। और ये बिल्कुल सरल तरीका है चिकन बिरयानी बनाने का, और दम पे बनाएंगे इस तरह से। देखिए फिर से हम चिकन फैला देंगे, फिर से ये जो ब्राउन ऑनियन है वो फैला देंगे, और इसी जगह पे आप जो पुदीने के पत्ते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, मगर हम पुदीने के पत्ते नहीं डालेंगे। यहाँ पे डालेंगे हरा धनिया, हरा धनिया अच्छे से फैला लेंगे कट करके। और उसके बाद हमें क्या करना है, हरी मिर्च को इस तरह से 3-4 हरी मिर्च को टुकड़े करके डाल देना है। हरी मिर्च का जो फ्लेवर और टेस्ट आता है इस चिकन बिरयानी में बहुत अच्छा आता है, और बहुत अच्छी लगती है ये मिर्च खाने में भी। और चावल का हमने एक गिलास पानी, जो बॉयल चावल किया था ना उसका हमने एक गिलास पानी निकाल के रख लिया था, तो 6-7 चम्मच इस तरह से हम डाल देंगे पानी, जिससे कि हमारे चावल और चिकन नीचे तली हुई ना लगे। ये फूड कलर है जो ऑप्शनल है, आप रेड येलो कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा फूड कलर डाल दिया, वो चावल का पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड साइड में छिड़क देंगे। इससे जो चावल बिरयानी में जो मार्केट जैसे कलर आता है ना वो आ जाएगा। तो फूड कलर बिल्कुल टोटल ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ पर देसी घी डाल देंगे इस तरह से, जिससे कि चावल बिल्कुल मॉइस्चर बना रहेगा और सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा और टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी डाल के तैयार है हमारी बिरयानी दम पे रखने के लिए। उससे पहले हम डालते हैं यहाँ पर मेन बिरयानी का इंग्रेडिएंट्स केवड़ा, जो कि बिरयानी की खुशबू दूर दूर तक पता चल जाती है कि किसी के घर में बिरयानी बना है। तो ये असली केवड़ा है फ्रेंड्स, मतलब इसकी 2-3 बूंद इस पूरी बिरयानी को महका के रख देगी। अब इसे बंद करते हैं और चलिए रखते हैं गैस पर। गैस का फ्लेम 5 मिनट हाई रखना है, 5 मिनट बाद इसे 15 मिनट हमें लो फ्लेम पर रखना है। उसके लिए हम रखेगा पत्थर की चौकी और सिलबट्टे का बट्टा। 15 मिनट इसे खोलना बिल्कुल नहीं है, 20 मिनट के लिए 5 मिनट हाई फ्लेम पे, 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर। और ये हमारी चिकन बिरयानी बनकर रेडी हो गई है, एकदम खिले खिले चावल बनेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट ये बिरयानी बनकर रेडी हुई थी और बहुत अच्छी लगी थी, हर किसी ने तारीफ़ की थी। तो इस चिकन बिरयानी को ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये देखिए चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे और चिकन बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्चर भरा हुआ चिकन बनकर रेडी हुआ था, और ये हमारे चिकन बिरयानी बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और इनको मिलाते हैं इस तरह से और चलिए प्लेटिंग करते हैं। तो टेस्टी सी हमारी चिकन बिरयानी बनकर रेडी है, किसी भी ओकेजन पर बनाइए, जब आपका मन हो बिरयानी खाने का तो बाहर से मत लाइए, घर पे बनाइए टेस्टी सी बिरयानी। तो चिकन बिरयानी की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। फ्रेंड्स फैमिली सोशल मीडिया पे मेरे चैनल मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स।